वार्ड 40 से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर मंगेश जनविजय जोर शोर से जनता के बीच जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर जनता का प्यार उन्हें मिला तो वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेंगे। वार्ड 40 से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर मंगेश जनविजय चुनावी मैदान में हैं। वह घर घर जाकर लोगों से सहयोग करने की अपील कर रहे हैं। डॉक्टर मंगेश जनविजय ने पूर्व में रहे पार्षदों के लिए कहा कि उन्होंने कोई भी काम क्षेत्र में नहीं कराया है, सभी नाली खरंजे टूटे पड़े हैं और न ही जनहित के लिए कोई आंदोलन किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जनता अगर उन पर भरोसा जताती है तो वह उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आपसे पहले काफ़ी प्रत्याशी जो हैं पार्षद रहे हैं, उन्होंने कोई भी वार्ड 40 आजमपाड़ा में विकास कार्य नहीं कराए हैं। सारे नाली खरंजे सब टूटे पड़े हुए हैं। किसी भी प्रकार की जनता के लिए कोई मूलभूत सुविधाओं के लिए कोई भी आंदोलन नहीं चलाया, कोई कार्य नहीं किया, जनता को बरगलाया, झूठे आश्वासन दिए हैं, झूठे वादे किए हैं। जनता अगर वार्ड 40 से मुझे इस निकाय चुनाव में चुनती है तो मैं जनता को आश्वासन देना चाहता हूं, मैं आपकी नज़र में खरा उतरूंगा, आपके नाली खरंजे सड़क का पूर्ण रूप से निर्माण कराऊंगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या, क्षेत्रीय समस्या कैसी भी पैदा नहीं होने दूंगा, ये मेरी क्षेत्र की प्राथमिकता है। मैं प्रण लेता हूँ अगर जनता मुझे चुनती है तो मैं पुनः जनता के बीच खरा उतरूंगा। तो वहीं कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी डॉक्टर मंगेश जनविजय जब क्षेत्र में चुनावी प्रचार प्रसार के लिए लोगों के पास घर घर पहुंचे तो लोगों ने भी उन्हें विजयी बनाने का आश्वासन दिया।